गुड मॉर्निंग सभी को, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका वसुबी व्लॉग्स में। और मैं उठ गई हूँ, 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। चिड़िया भी मतलब अभी चहचहा नहीं रही, इतना ठंडा हो रखा है कि पक्षी भी नहीं उठे हुए हैं और चारों तरफ लगा है कोहरा। तो मेरा थोड़ा जंगल के एरिए के पास है हमारा घर, ये सारे घर जंगल के एरिए के पास है। अभी देखो लाइट भी बंद नहीं करी है किसी किसी ने, देखो लाइट जली हुई है, लड़ियाँ जली हैं। तो जंगल के पास होने के कारण यहाँ थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा है। और मैं जा रही हूँ अब किचन में, तो बच्चे स्कूल के लिए हो रहे हैं तैयार और उनका मन है आज मैगी खाने का। मम्मा काफ़ी टाइम से मैगी नहीं खाई, मैंने कहा चलो ठीक है बनाती हूँ उनके लिए मैगी। नाश्ता लगे कद्दू की सब्ज़ी और रोटी टिफ़िन में दूंगी, मैगी वो अभी घर में खा के जाएंगे। तो मैं पानी पी लेती हूँ गुनगुना और उनके लिए बनाती हूँ मैगी। मैगी से सपने बूंद बूंद ऊपर का दरवाजा बंद कर दिया। चलो तब गाड़ी निकालो, चलते हैं बाजार। तुम्हारा फोन आ रहा है हुस्नाबाद, उठा लो जीते 200 रुपये तक का रिचार्ज, नहीं जीतना हमको तो स्वेटर पहन लेते हैं, ज़्यादा हीरोइन नहीं बनना है क्योंकि मौसम हो रहा है ठंडा। स्कूटी में तो वैसे भी ठंड लगती है, तो स्वेटर डाल लेती हूँ मैं। और आज मैं जा रही हूँ बाज़ार, बच्चों के लिए थोड़े से इनरवेयर ख़रीदने हैं, ठंडी का टाइम आ गया है, ड्रेस के साथ के इनरवेयर ख़रीदूँगी। चलो चलते हैं। ब्लाउज ब्लाउज बनाने की ब्लॉग तुम कौन वो लाड़ चबल वो झूमर पूछ तुम कौन गंडल लाड़ चबल गंडली 250 रुपए की, ठीक है इनके लिए गंडली लाने। चल जिंगल बेलवा कपड़ों की दुकान, यहाँ से कपड़े ले लें दुर्गा चौक से आगे श्री श्याम फैशन, देखते हैं समझ में आते तो लेते हैं। चलो चलो बुड्ढे जी लॉक कर रेल गाड़ी बोल यार कम दूर क्या बड़ी दुकान है। हेलो बुली कखा छो तुम, मैं पौड़ी गढ़वा लग छो, आप कखा छो? चलो ले लिए कपड़े। पिटोनिया बाकी पूरे देखते हैं क्या ले जाते हैं। यहाँ रखा हुआ है बहुत दूर हो गए, वहाँ पर रख दिया करो ना, लोगों की नज़र पड़ती तभी तो लेंगे। वो तो मैंने पूछ लिया तो आपको 5-10 रुपये कम करने पड़ेंगे। बोलो ना यहाँ पे सस्ते होंगे फूल, इधर दूर है, इधर दूर है, थोड़ा इधर सस्ता होगा फूल। अच्छा ये नहीं सब लोग बन रहे, अच्छा यहाँ पे प्याज डाल के लोग आते हैं ना, ठीक है बड़ा कट लीजिए। रे नींबू बैंगन टमाटर सारे पौधे, अच्छा ये है भाई जल्दी दिखाओ। ग्रीन हाउस में लिया बोर्ड, अच्छे अच्छे पौधे देना। आप तो पूरी जड़ निकाल दी आपने, उसके खराब तो नहीं होगा? काफी बड़े पौधे हो गए, तो ऐसा नहीं कि घर में जाके खराब हो गए अंकल जी? नहीं नहीं खराब
कोई नहीं, वापस कर दूंगी फिर। मैं जल्दी इतनी दूर ला गई ताऊ जी, ये छोड़ गया, यहीं से भाग जाती हूँ मैं अपनी गाड़ी में। मजाक कर रही, मजाक। फाइनली मैं आ गई हूँ घर पे और मैं लेके आई हूँ अपने लिए दो दो गेंदे के फूल लेके आई। मैं तो नर्सरी में ठीक मिल गए थे, 30 रुपये में दो मिल गए थे, एक ऑरेंज वाला और एक येलो वाला, और बाकी लेके आई मैं अपने लिए तवा। तो मेरा तवा बिल्कुल ख़राब होने पे लगा हुआ था, उसकी अब पपड़ी पपड़ी निकल रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है। और एक छोटा सा लेके आई हूँ मैं डस्टबिन, तो ये किचन के लिए लाई हूँ स्पेशली। ये है 70 रुपीज़ का, इतना सा है, एक बिलस्त छोटा सा है, क्यूट। और तो उड़ते हैं ना झांझे, तो अब इसके अंदर बंद रहेगा तो झांझे नहीं उड़ेंगे। और मुझे तो आ रही नींद, तो मैं फटाफट से रख रही हूँ चावल और हरड़ की दाल, हरड़ी दाल मतलब अरहर की दाल, तो बनाती हूँ फटाफट खाना। और शाम को आने वाला है मेरा भाई, तो पता नहीं एक भाई आते हैं कि दो आते हैं, शाम को ही देखते हैं। तो फटाफट से खाना बना के मैं थोड़ा करती हूँ आराम, तो मिलेंगे हम शाम को जब मेरे भाई आ जाएंगे। ओके, अभी तक नहीं आया भाई और मैंने खोल दी है सारी सब्जियाँ, सब्जियाँ धो ली है। देखो मेरे छोटा सा डस्टबिन, लेकिन इस पर एक हैंडल भी होना चाहिए था, हैंडल नहीं है, हैंडल के बिना ना वो वाला लुक नहीं आ रहा, हैंडल भी होना चाहिए था। और इसको दबा के क्या फ़ायदा, ये तो जब हाथ से दबाना, तो यही तो खोल दूँ मैं। सब्जी वगैरह धो ली है और अब आने वाले हैं मेरे भैया, तो चलो उन्हीं का इंतज़ार है। तब तक मैं कर लेती हूँ आटा मल लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ खाना बनाने की, आपको मिलते हैं बाद में। पूँ आवाज़ आ रही है, वो है ट्रेन की, ट्रेन आ गई है, इसको देखो मामा आ गया तो मुंह धो रहा है। आय हाय चमक गया हीरो, मामा आ गए, मैं जाती हूँ। तो बन गई है मटर पनीर और हरी भुजी भी खाएंगे हम तो यार, और थोड़ी सी दाल बनाई है, मिक्स दाल है, और थोड़ा सा भात चढ़ा दिया, मेरे भाई को भात खाना पसंद है, और गैस की हालत ऐसी होगी जैसे कि बेचारा। रोटी बनाती हूँ, सलाद भी काट दिया है, तो मेरा काम ख़त्म हो गया, बस अब गिचा खोलने की देरी है। ये देखो पनीर खाना चाहिए, ये है देसी लोग खाते हैं मटर पनीर है ना, और हम है घर गया, तो हमको चाहिए लून, रोटी, घी का गोंद का चाय का गिलास, और दही मिल जाओ एक कटोरी, ठीक है, और हरी भुजी, अब हम लाल भुटिया मर चिखे के कंठ खुल जनिन है ना। और जेंट्स पार्टी बैठी है ऊपर, तो पता नहीं आज तो मुझे लग रहा है 11 बजेंगे, तो 9:10 हो रहा है अभी है ना। और ये मुस्टंडे भी नहीं सोएंगे क्योंकि मामा जी आ रखे बुलते थे, बुड़ कर मामा जी आ रखे ना बहुत दिनों बाद, तो पता नहीं ये भी मामा के साथ बैठने के लिए उतावला हो रहा है कि पापा कब छोड़ के आए मामा को। मामा जी और बैठे हैं छत में, और ये मेरा गुन्नू खा रहा है रोटी, देखो गुन्नू फिनिश कर दिया, ये जकन बैठी जनता ने आदमी नहीं बैठता गारम रोटी खाना वो पति। मेरी दादी बैठती थी ऐसी, बैठी खान जाए एक गुंड मत थी और इनके तो चलो भाई उनका इंतज़ार करते करते तो वही वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, तो यहीं पे शुभरात्रि करते हैं है ना। और सब्सक्राइब जिन्होंने भी करा है ना कलर आज में, तो उनके लिए दिल से चुप जाओ धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, और बहुत सारा प्यार देते रहना मुझे, मेरी वीडियोस को व्यूज़, और कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है, जो अच्छा नहीं लगेगा ना उसके बारे में ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मैं उस चीज़ को चेंज करूँगी, और बस कृपा बनाए रखना तो चलो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, और अगला ब्लॉग क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता, तो आपके लिए कुछ अच्छा नया लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी,
तो फिलहाल तो मुझे भी लगी है भूख और जेंट्स पार्टी नीचे नहीं आ रही है, इनको सुलाना है। अभी आज ये 12 बजे से पहले सोएंगे नहीं ना, ना। कल स्कूल जाना है, ठंडा हो गया, ठंड तो उठने का मन वैसे भी नहीं कर रहा है। तो चलो बाहर में, दादाजी दादी जो देख रहे होंगे उनको नमस्ते करो। नमस्ते दादा दादी, काका बोली, सबको मेरा नमस्ते और शुभ रात्रि, और सब अपना अपना ख्याल रखो, है ना। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, और गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि।